हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। आप यदि इनको अपना सोलमेट मानते हो, आप यदि इनको अपना ट्विन फ्लेम मानते हो, सो यस, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, जो लोग भी सेपरेशन का सामना कर रहे हैं या फिर अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टेक्ट में है या पार्टनर ने खुद ही आपसे ब्रेकअप कर लिया है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, ठीक है। और जिसका बाबू सोना हो रहा है, अभी भी ललू पच्चू हो रहा है, सो उसके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स। ओके, ऐसे ही होता रहे। ओके, क्या क्या बोलते हो दीदी आप भी। ओके, सो हम देखेंगे कि आपके पर्सन के साथ आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट जो भी है। ओके, कभी कभी मस्ती कर लेना चाहिए, राइट। ओके, सो हम देखने वाले हैं, ठीक है। अपने पर्सन का अच्छे से ध्यान कीजिए ताकि उनकी एनर्जी कनेक्ट हो पाए, ठीक है। यदि चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, एनर्जी कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स तारा मां गाइड करें और बताएं मुझे, मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी स्त्री पुरुष का ध्यान कर रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, उस पर्सन के मन में इस वक्त करेंटली क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, मेक अ प्रॉमिस, लव, मेमोरीज, मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सीक्रेट लव मैं क्लेरिफाई भी करूंगी टैरोट से। ओके, डोंट वरी। सोल कनेक्शन, ओके, मैरिज, वाओ, सो ब्यूटीफुल। आज पता, आप लोगों की रीडिंग के पहले ना बहुत सारे पॉजिटिव साइन मुझे मिले। आप लोगों की रीडिंग करने से पहले मेडिटेशन के दौरान बहुत सारी चीजें मिली, क्योंकि मैं जब आके यहाँ पे आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ तो मैं आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट होती हूँ, राइट। जैसे ही मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, तो आप लोगों की ऑलरेडी मेरी जो एनर्जी है, ठीक है, आप लोगों की जो एनर्जी है वो कनेक्ट हो जाती है। ओके, बिकॉज हम सब कहाँ से जुड़े? डिवाइन एनर्जी से, राइट। आप भी वहीं से जुड़े हो, और डायरेक्ट कनेक्शन जो डिवाइन एनर्जी से होता है, सो डेफिनेटली सारी चीजें इंट्यूशनली पता चल जाती है, राइट। इसलिए मैं कहती हूँ कि डिवाइन को थैंक यू कहना कभी ना भूले। ओके, ओके, सो इतने ही कार्ड्स चाहिए थे हमें। सो चलिए टैरोट से भी देख लेते हैं क्लेरिफाई करके। आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स नजर आ रही है, मैं राशियां भी बताऊंगी। ओके, डोंट वरी, मैं एक प्रॉमिस की एनर्जी को क्लेरिफाई करें डिवाइन। नाइन ऑफ कप्स, क्या बात है। लव की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वैंड्स। मेमोरीज की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है एट ऑफ सोर्ड्स। सीक्रेट लव की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है थ्री ऑफ सोर्ड्स। एक्चुअली ये दोनों जो एनर्जी है ना, वो सेम है, पता है, ये दोनों एनर्जी सेम है, क्योंकि बंदा या बंदी जो भी आपके पार्टनर है, वो देखिए यहाँ पे सीक्रेट लव कर रहे हैं आपसे, राइट, बट वो चीजें खुल के बाहर नहीं आ रही है। सोल कनेक्शन की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ कप्स। मैरिज की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहे डिवाइन थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों में। ओके, द वर्ल्ड, ओके, एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करे डिवाइन। टेन ऑफ सोर्ड्स। सो आपकी पर्सन की एनर्जी में जो राशियां आई है, वो राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कैंसर यानी कि कर्क राशि, पाइसेस स्कॉर्पियो यानी कि वृषभ राशि, राइट। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज यानी कि मेष राशि, लियो यानी कि सिंह राशि, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। ओके, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वर्गो कन्या राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, क्लियर। ओके, और राशि आएंगी तो मैं वो भी बता दूंगी, ठीक है। नंबर जो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है, नंबर 9 की एनर्जी है, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 3 एंड नंबर 21, नंबर 26, 30 की एनर्जी है। ओके, ये सारे आपके पार्टनर के, एंड नंबर 28 है, ये इनके डेट ऑफ बर्थ में शामिल हो सकते हैं, या फिर इन डेट्स में कुछ आप दोनों के बीच में हुआ जरूर था, या तो ब्रेकअप वाली सिचुएशन क्रिएट हुई थी, या आप लोग मिले थे, या डेटिंग वगैरह किए थे, कुछ तो था इस डेट पे, बट ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी मेक प्रॉमिस के साथ आई है। इस व्यक्ति ने डेफिनेटली ट्रूली आपके लव में ना बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस इन्होंने किए, ठीक है, कि आना जरूर चाहते। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके पास आना नहीं चाहते, इन्होंने बहुत लंबा लंबा प्रॉमिस किया था आपसे, ठीक है, कि मैं वैसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ओके, या ऐसा करूंगी या वैसा करूंगी, बहुत लंबा लंबा प्रॉमिस इन्होंने किया था, बट उसमें से ना कुछ एकाध भी इन्होंने पूरा नहीं किया,
ठीक है। और इस पर्सन के साथ मैं बता दूं आपका कोई सोल कनेक्शन है और वो कनेक्शन जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक सोल कनेक्शन में हो जिसके वजह से ना आप इनको पूरी तरीके से रिलीज नहीं कर पा रहे हो। यदि आप इनसे नफरत भी करने लगे हो, अब नहीं भी चाहते कि ये पर्सन के साथ मेरी कोई मेमोरीज बने या इस पर्सन के साथ मेरी कोई अब लव वाली फीलिंग्स रहे, ठीक है, तब भी इस पर्सन की तरफ आप खींचे चले आते हो। आप यहाँ पे देख रहे हो सोल कनेक्शन, आप देखो कि दोनों सोल किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट है, ओके। और एक दूसरे के साथ ना होने की वजह से विद फाइव ऑफ कप्स कितनी ज्यादा सेपरेशन की एनर्जी का सामना ये कर रहे हैं, राइट। इन्होंने ये दोनों सोल नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। हालांकि आप दोनों की बॉडी अलग है, सोल जानती है, ठीक है, कि आप दोनों साथ हो और आप दोनों कभी अलग नहीं होगे। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, डेफिनेटली आप दोनों का यदि सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो, सो डेफिनेटली आप दोनों हमेशा इसी तरीके से जुड़े रहोगे, ठीक है। यदि आप नहीं रहते हो इस रिलेशनशिप में, सो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है काफी ज्यादा मायूस भी होते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे सीक्रेट लव करते हैं। सीक्रेट लव क्या होता है? सीक्रेट लव होता है जहां पे व्यक्ति बहुत प्यार कर रहा होता है आपसे, ठीक है, बहुत सारी चीजों का सामना कर रहा होता है, बट कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है खुल के आपको नहीं बता पा रहे। थ्री ऑफ सोर्स और टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्लियरली यहाँ पे बता रही है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको खुल के अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे, ठीक है। एक सीक्रेट लव है इनका, डीप लव है, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ जो आपका प्यार है ना, ये लड़का लड़की जो भी है डेफिनेटली आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बट किसी तरीके से ना ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। यदि इनका मैरिज वगैरह कहीं तो फिक्स हुआ है डेफिनेटली, और थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर की तरफ से क्रिएट हुई है, बिकॉज आपके तरफ से मुझे एनर्जी पिक नहीं हो रही कि आपने कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करा इस रिश्ते में रहते हुए, ठीक है। बट इस पर्सन ने डेफिनेटली कहीं पे मैरिज एंगेजमेंट कर ली है, ओके। और वहां मैरिज एंगेजमेंट होने के बाद ये आपके साथ भी सोच रहे हैं कि आपके साथ भी मैरिज एंगेजमेंट हो जाए। आपके साथ ना एक आत्म गठबंधन ये पर्सन महसूस करते हैं, ठीक है। चाहे लड़का लड़की जो भी है, हाल ही में या रिसेंटली 2 से 4 दिन पहले या महीने भर पहले इस व्यक्ति के डेफिनेटली मैरिज जरूर हुई है, ठीक है। मैरिज लगी है कहीं पे या होने वाली है, या फिर कहीं पे रिश्ता देखा जा रहा है, या एंगेजमेंट तो हो ही चुकी होगी, ठीक है, या शादी के लिए कहीं पे इनका देखना हो रहा है, ठीक है। फैमिली वाले आ जा रहे हैं, देख रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की फैमिली से मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ओके। इस तरीके की एनर्जी डेफिनेटली है। और एक तरफ आपके पार्टनर आपके साथ जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में पड़ चुके हैं, चाहते हुए ना चाहते हुए भी, आप माने या ना माने, बट डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई तीसरा पर्सन यानी कि थर्ड पार्टी एंटर हुआ है, ठीक है, हुआ है या हुई है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फाइनेंशियली लॉसेस का सामना ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। यदि ये नहीं कर रहे फाइनेंशियल लॉस का सामना, डेफिनेटली आपके पार्टनर के घर में ये चीजें हो रही है, ठीक है। या आपके पार्टनर का बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, ठीक है। इन दिनों बहुत ज्यादा खर्चे से गुजर रहे हैं, जिसके कारण इनको लग रहा है कि इसी तरीके से यदि चलता रहा तो बहुत जल्द चीजें जो है इनके लाइफ में खराब होने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। आपको छोड़ने के बाद डेफिनेटली इनका जो बृहस्पति है वो खराब हुआ है, ठीक है, जिसके वजह से धन धान्य में, शुक्र भी इनका अच्छा पोजीशन पे नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, जिसके वजह से धन धान्य में चीजों में बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। बट लव इक्वल है, चाहे प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल्स कितने भी क्यों ना हो, बट लव आप दोनों में इक्वल है, ठीक है। चांसेस बन रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इसके प्रति कोई इनिशिएटिव अब आपके तरफ लेते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। लव लव की एनर्जी है, यू आर माई हार्ट, ये कह रहे हैं आपसे कि यस, ये आपसे सच में प्यार करते हैं, सो क्लेम दिस एनर्जी गाइस। लव की एनर्जी है, साथ ही साथ यहाँ पे मैरिज की एनर्जी भी आई है, ठीक है। बहुत जल्द इस पर्सन के लाइफ में चीजें जो है वो टर्न होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खुद से सारी चीजों को नहीं कर रहे, या खुद से कर भी आपको ऐसा लग सकता होगा कि ये पर्सन खुद से जा रहे हैं सारी चीजों को, एक्टिविटी को ये कर रहे हैं, ठीक है। बट हो सकता है कि इसमें इनकी फैमिली का हाथ हो, ठीक है, फैमिली स्ट्रांगली इन्वॉल्व हो सकती है इन सारी चीजों में। बट लव का यानी कि सोल टू सोल जो कनेक्शन है वो सिर्फ आपके साथ है, भले ही पर्सन किसी के भी साथ शादी कर ले, ठीक है, विवाह कर ले, बट कनेक्शन जो है इनको आपके साथ ही फील होता है, राइट। ये आपको बहुत मिस करते हैं, आप माने या ना माने, बैडली या भी इस समय करेंटली राइट नाउ ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये पर्सन आपसे मिलके, आपसे बात करके ना हील होते हैं, बिकॉज सोल कनेक्शन की एनर्जी कोई हीलिंग जो है यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, राइट। ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है इस मैरिज में, ठीक है, इस मैरिज में, इस रिलेशनशिप में, या जो भी आपके पार्टनर के लाइफ में करंटली घटित हो रहा है उसको करने में, ठीक है, उस चीज में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के फैमिली वालों का हाथ डेफिनेटली है, या माता पिता या इनके कजन सिस्टर कोई तो है, ठीक है, जो इनके लाइफ में इंटरफेयर
कर रहे हैं ओके, चीजों को लेकर के एट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं। दी टावर का कार्ड आया है, ये पर्सन ना आपके साथ सारी बीती हुई मेमोरीज को याद कर रहे हैं ठीक है, और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि आप इनके लाइफ में खुद से आ जाओ, बिकॉज सामने से इस पर्सन ने आपको एटीट्यूड दिखाया था राइट, सामने से ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, बट इस समय ये सोच रहे हैं कि आप इनके सामने आओ ठीक है, आप इनसे कनेक्शन में आओ। इन हार्ट बीट हमेशा ना एकदम तेज हो जाती है, जब भी आप इनके आसपास होते हो डेफिनेटली इनकी हार्ट बीट जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है ठीक है। पर्सन आपको खो के ना बहुत ज्यादा पछता रही है, यदि आपसे बातचीत नहीं हो रही है डेफिनेटली आपके साथ चीजें जो है इनको बहुत ज्यादा लग रही है ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि काश आपसे बात हो जाती, काश ये आपसे थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते ठीक है, आपके साथ उठ बैठ लेते तो चीजें जो है थोड़ी कंफ्यूजन से ये बाहर निकल जाते। ओके सो लाइट चली गई है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग ठीक है, बिकॉज मैं कार्ड देख पा रही हूँ। ओके आपके पार्टनर ना आपको लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं ठीक है, अगर यदि आपके लाइफ में आते हैं तो आप इनको माफ करोगे, इनको अपनाओगे नहीं अपनाओगे, अपने लाइफ में रखोगे नहीं रखोगे, इस चीज को लेकर नहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में ठीक है। प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है इनकी लाइफ में, बट उन प्रॉब्लम्स में भी सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे, इनका माइंड ना एक जगह स्थिर नहीं है, ऐसा लग रहा है एक जगह काम नहीं करना इनका माइंड ठीक है, 10 जगह दौड़ रहा है, फैमिली की तरफ सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आसपास की चीजों के बारे में सोच रहे हैं ठीक है, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, बट इसमें से थोड़ा सा भी भनक ये आपको लगने नहीं दे रहे ठीक है, कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ ये हाइट करते हुए नजर आ रहे हैं ठीक है। दी फूल, आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी है इनके लाइफ में, बिकॉज फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये जहां पे भी मैरिज कर रहे हैं ना बहुत खुश थे। मैं एक बात बता दूं, इससे हो सकता है कि बहुत लोग हर्ट हो जाए ठीक है, हर्ट होने वाली बात नहीं है, देखिए आप हर्ट होके रोके इसमें कुछ नहीं होगा, आई होप कि आप लोग बहुत मेच्योर है राइट, बात को समझते हैं, सो समझने का प्रयास कीजिए। ये व्यक्ति जब मैरिज इनकी लगी थी ठीक है, हो सकता है ये खुश थे ओके, बट जैसे जैसे मैरिज आगे बढ़ रही है या बातचीत आगे बढ़ रही है, बीती हुई सारी बातें आपके पार्टनर को याद आ रही है ठीक है। अब सारी बातें, जितनी चीजें आप दोनों में हुई थी या जो भी हुआ था पास्ट में आप दोनों के बीच में, वह सारी चीजें आपके पार्टनर को याद आ रही है राइट, और उन्हें याद कर करके ना आपके पार्टनर बहुत ज्यादा रो रहे। यस, रोने की एनर्जी है, नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ सोर्ड्स जो है एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन को दिखाती है ठीक है, बट देखो कि शांत कितने हैं ये लड़का लड़की जो भी है, ये बहुत शांत है ठीक है, ये दिखाते होंगे कि बहुत शांत है, बट डेफिनेटली बहुत सारी चीजें जो है ये अंदर ही अंदर झेल रहे हैं ओके। थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, आपके पार्टनर आपका इंतजार कर रहे हैं, अपने पास्ट पर्सन का, यानी कि अपने एक्स का इंतजार आपके पार्टनर कर रहे हैं, यानी कि इनके एक्स अभी आप बन चुके हो ठीक है, ये आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं बहुत ही शांति तरीके से, बट ये कंफ्यूज है कि अब आप इनको अपनाओगे नहीं अपनाओगे ठीक है, या फिर आप इनको छोड़ दोगे, इन सारी चीजों के लिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है काफी ज्यादा एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन में जा चुके हैं ठीक है। इनका हार्ट बीट जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं आप क्या ही स्टेप लोगे ठीक है, आप क्या करोगे क्या नहीं, आपके मेमोरी में खोए हुए से ये पर्सन नजर आ रहे हैं ओके। एंड कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है, कंफ्यूज है ये पर्सन ठीक है, आपके साथ आना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, यूनियन की एनर्जी है, बट ऐसा लग रहा है यस लाइट आ गई, ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में ठीक है। यस, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने के कारण ये पर्सन जो है किसी तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे राइट। सो क्लेम करें इस एनर्जी को, ताकि आपके पार्टनर जो है वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए ठीक है, और आपके जीवन में सब कुछ पहले से बेटर एंड बेस्ट हो जाए ठीक है। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में, बाय गाइस।